संजय गांधी नगर शिवशाही मित्र मंडल द्वारा 10 मिनट कार्नेशन जागरूकता अभियान में भाग लेते हुए एक शाम देश के नाम रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन एम्पल मिशन और गौ भारत भारती के माध्यम से आयोजित कर लोगों में देश प्रेम और राष्ट्र के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। यह कार्यक्रम विले पार्लेपुर के संजय गांधी नगर में आयोजित किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर एम्पल मिशन के चेयरमैन डॉक्टर अनिल मुरारका तथा भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश महासचिव अमरजीत मिश्र उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक गौ भारत भारती के संजय शर्मा थे। ज्ञात हो कि 10 मिनट फॉरनेशन जागरूकता अभियान 15 अगस्त को शुरू किया गया था, जो 26 जनवरी तक चलेगा। इस अभियान के माध्यम से लोगों के व्यस्त जनजीवन में से सिर्फ देश और समाज के प्रति सकारात्मक विचारधारा के प्रति सिर्फ 10 मिनट सोचने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी अभियान के मद्देनजर इस वर्ष भारत 100 गणेश मंडलों के माध्यम से इस विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया गया है। विले पार्लेपुर में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे अमरजीत मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरे समय देश की सेवा में लगा है। आज एम्पल मिशन द्वारा 10 मिनट फॉरनेशन देश के प्रति लोग सोचे जैसे जागरूकता अभियान की मैं सराहना करता हूँ। आज देश की 125 करोड़ की जनता को अपनी व्यस्त जिंदगी से कम 10 मिनट ही सही अपने देश के बारे में सोचने की जरूरत है। इस कार्यक्रम का संचालन प्रेम कुमार ने किया तथा संगीत की प्रस्तुतिकरण सुप्रसिद्ध गायिका अनमोल सिंह, गायक प्रकाश तिवारी और लोकगीत गायक राजकुमार ने किया। बेहतर कार्यक्रम रहा, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि 10 मिनट देश के नाम, अर्थात पूरे देश के सभी लोगों को देश के लिए कम से कम 10 मिनट देना चाहिए। और ये जो शुरुआत हुई है, हमारे संजय भाई शर्मा ने जो होगा विश्व का पहला अखबार है गौ भारत भारती, उन्होंने ये शुरुआत की है। एक बहुत ही बढ़िया एक सॉन्ग लोगों के बीच में दिया है कि कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, अपने गौ माता के लिए हम करें। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत और बहुत अच्छी पहल है। गौ माता को अभी तक लोगों ने वास्तविक रूप से समझा ही नहीं है कि गाय हमें क्या देती है। गाय के ऊपर वार करना इतना बड़ा अपराध है कि हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिस दिन इस दुनिया के लोग, देश के लोग गौ माता हमारे जीवन की आधार है ये समझ जाएंगे, उस दिन कोई भी व्यक्ति गाय के ऊपर कोई भी प्रहार नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि गाय के गोबर और गौमूत्र पर लोगों का जो ध्यान है वो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हमारे पास खुद एक गौशाला है जो कि 400 गोवंश है हमारे पास। हम गोबर और गौमूत्र पे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गाय के गोबर और गौमूत्र से ही गाय को बचाया जा सकता है और लोगों की जो मानसिकता है वो चेंज करने के लिए गाय को अर्थ के अर्थशास्त्र को समझना बहुत ही जरूरी है। तो किसी के साथ हिंसा करना, हालांकि अपनी माँ की रक्षा के लिए हमें सबसे पहले ये करना हो तो कभी भी किसी भी गोवंश पर कोई प्रहार नहीं करेगा। और ये बिल्कुल सरासर गलत है कि कोई भी व्यक्ति गाय के नाम पर इस तरह से उत्पात करे। मैं समझता हूँ कि जो उत्पात करता है कम से कम अपने घर में एक गौ माता के लिए जगह दे दे, तो उसको खुद समझ जाएगा अर्थशास्त्र क्या है और ऐसा कोई भी इस तरह का कार्य नहीं होगा। बोलिए, क्योंकि हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज है आई था मुझको, ऐसी हालत में आओगे भैया। बोले आई है अब आई भारत माता की, भारत।
हमारा दोस्त होता है, भारत माता का संतान होता है, भारत द ग्रेट मदरलैंड का वो ऐसा चमकता हुआ बेटा होता है जो हम सबों को हमारी जिंदगी को सलामत रखने के लिए अपने आप को पहाड़ों में, चोटियों में, बर्फों में अपने आप को समेट कर नष्ट कर देता है, वो भारत की सेवा में कुर्बान हो जाता है। गणेश उत्सव के माध्यम से शिव साई मित्र मंडल और गौ भारत भारती और एम्पल मिशन हर साल हम इस मंडल के साथ मिलकर के कुछ सामाजिक काम करते हैं। इस साल हमने 10 ईयर फॉर नेशन एक जागरूकता अभियान को हमने इस मंडल के माध्यम से प्रमोट करने का प्रयास किया है और आज ये जो रंगारंग कार्यक्रम आप देख रहे हैं उसी का एक हिस्सा है। 10 ईयर फॉर नेशन ये हमने 15 अगस्त को एम्पल मिशन श्री डॉक्टर अरुण मुरारका के माध्यम से हमने पूरे विश्व पूरे देश में ये कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है कि 10-24 घंटों में 10 मिनट हमें देश के बारे में सोचना है। ये 26 जनवरी 2018 तक ये कैंपेन चलेगा और ऐसे मुंबई के तमाम मंडलों के माध्यम से हमने ये कैंपेन को चालू रखा है। आज ये विले पार्ले शिव साई मित्र मंडल के साथ में हमने ये कार्यक्रम रखा, इसी तरह से हमने इरला मित्र मंडल और साई प्रतिष्ठान मित्र मंडल ऐसे तमाम जो गणेश मंडल वहाँ पे हमारे 10 मिनट फॉर नेशन को हम मंडलों के माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। सो एक ऐसा माध्यम है कि हम सोशल और सामाजिक काम जनता तक लेके जाना चाहते हैं और शिव साई मित्र मंडल के साथ में मिलकर पिछले साल भी हमने गौ माता का एक अच्छा कार्यक्रम रखा था, इस साल भी हमने 10 मिनट फॉर नेशन को हम इसके माध्यम से प्रमोट कर रहे हैं। अपने सहारा है धीरे धीरे क्योंकि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लोगों को समझने में थोड़ा सा समय लग रहा है, हालांकि समय नहीं लग रहा है, लोग समझ गए कि 10 मिनट फॉर नेशन। मेरा कहना यह है कि 24 घंटे होते हैं पूरे दिन के, वो 24 घंटे के अंदर हमें 10 मिनट देश के बारे में सोचना है। 10 मिनट ही क्यों, क्योंकि एक आम आदमी 24 घंटों में 8 से 12 घंटे ड्यूटी करता है, कुछ घंटे अपने परिवार को देता है, जो समय बच जाता है वो सोशल मीडिया या दूसरे काम को दे देता है, देश के बारे में नहीं सोचता है वो। तो इसलिए हमने कहा कि 10 मिनट आप देश के बारे में सोचिए, अगर 125 करोड़ जनता हमारे हिंदुस्तान की 10 मिनट देश के बारे में सोचना शुरू कर देगी तो बहुत सारा बदलाव इस देश में, इस कंट्री में आएगा। तो बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है, मैं आज यहाँ पर आके अपने आप को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूँ। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर लोगों को इंस्पायर किया जा रहा है, इनफैक्ट मैं कल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अटेंड करके आया JW मेरिट में, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे इतना बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ, इतना इंस्पायरिंग लग रहा है, बहुत अच्छे गाने हो रहे हैं, देशभक्ति के गीत हो रहे हैं और 10 मिनट्स फॉर द नेशन ये कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में कहना बहुत ज़रूरी है। अभी आज एक समय ऐसा आया है जहाँ हम लोग इतने मशगूल हैं अपने अपने कामों में, तो देश के लिए हर इंसान, हर आदमी अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई अपनी ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है।